बच्चों के खून की बर्बादी नहीं होगी, वो खून इस हिंदुस्तान को आजाद करके रहेगा इस जालिमों से। भाइयों दोस्तों, आज आप देखते होंगे कि हिंदुस्तान में इल्जाम ये नरेंद्र मोदी अमित शाह मुसलमान पर लगाते हैं कि मुसलमान पूरे देश को गुमराह कर रहा है। अब जरा गौर करके देख लो, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी रियासत है भाजपा छोड़कर सब रियासत में हिंदू मुख्यमंत्री है, हिंदू सरकार में, और वो सरकार आज रोड पर आकर हमारे साथ एहतजाज कर रहा है। वो ये समझ रहा है कि मुसलमान को बेवकूफ बनाकर हिंदू को खामोश रखकर हम ये चुनावी जंग जीत लेंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, अधिवक्ताओं ने बताया तीन राज्य वो हार चुके हैं, आपके पास मोबाइल है, टीवी है, दिल्ली में 8 तारीख को वोट होने जा रहा है। 100 आदमी से इंटरव्यू लेता है तो 95 आदमी बोलता है कि हम लोग आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को वोट देंगे। आज इसका नतीजा है कि हिंदू भी आज उसके खिलाफ हो चुके हैं। आज एनपीआर जो कानून तो बना दिया सीएए, जो कल उसका दस्तखत भी हो गया, कानून पास भी हुआ, राष्ट्रपति को पहले ही कर दिया था, अब एनसीआर नहीं जाएंगे ये मोदी बोलता है, अमित शाह बोलता है कि एनसीआर आएगा।